हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, फर्स्ट क्लास हो। एक बार जल्दी से जुड़ जाओ, ये मत बोलना सामने ही खड़े हो गए तैयार हो रहे हो। भाई तैयार नहीं हो रहा हूँ, बस बालों को सेट कर रहा था। ठीक है भारती सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। रुको सब, बुलाओ सबको। अरे भाई कहाँ निकल गए? अबे आ तो गया, मैं कहीं गया थोड़ी था यार, क्लास सेट कर रहा था। छोटे लाल मीणा जी बहुत बहुत स्वागत है। पूनम कुमारी, अभिषेक जी, मिशू, भारती सिंह जी, जय माता दी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव हेलो, आदान पटेल जी, आशा कुमारी जी, बहुत सभी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे का खेल है भाई साहब, आधे घंटे में ना आप लगभग 30 क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा, और इतने बेहतरीन क्वेश्चंस की कलेक्शन रहती है आप जानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि जो सवाल करवा दिए उनको वापस कभी नहीं करवाऊंगा। भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वुमेन ऑल्सो, आप जानते ही होंगे भाई। जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें बेहतर नॉलेज हो जाएगी। और मैं ना, मेरी सिक्स सेंस मुझे कभी धोखा नहीं देती। मैंने हमेशा से बोला था CHSL का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। पहले दिन की वीडियो उठाकर देख लो भाई साहब, जब किसी धुरंधर ने नहीं बोला होगा ना कि CHSL का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। मैंने पहले ही दिन, फर्स्ट डे, फर्स्ट शिफ्ट के बाद एक वीडियो बनाकर बोला था एग्ज़ाम पोस्टपोन, और यही लिखा था भाई। ऐसा कोई शौक नहीं है कि मुझे गाली खाने का शौक है और मैं बच्चों से खुद को गाली दिलवाना चाहता हूँ कि आप आइए मुझे खुल के गाली दीजिए। मैं इसीलिए ऐसी वीडियो क्रिएट करता हूँ भाई साहब। मैं वीडियो क्रिएट इसलिए करता हूँ ताकि जो ऊपर टॉप नॉच लेवल पे लोग बैठे हैं उन तक कहीं ना कहीं वो चीज़ पहुँच पाए और उनको लगे कि यार नहीं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ज़रूरी है। इसीलिए अब मैं चाह रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी को लेकर एक हाइक बनाया जाए, एक बूस्ट बनाया जाए, जल्दी से जल्दी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने आज वाईफाई 2.0 पर एक वीडियो बनाई है और बोला है कि बैठे क्यों हो घर में, तैयारी करो भाई। तैयारी करवा रहे हैं हम लोग। और आप लोग एक बार बताओ यार, तुमने एक मकान बेचना है, अगर तुम खुद नहीं जाओगे डीलर के पास तो डीलर घर थोड़ी आएगा तुम्हारे कि हाँ भाई हम बताओ कितना दोगे पैसा मकान का। अगर मकान बेचना है तुम्हें खुद जाना पड़ेगा प्रॉपर्टी डीलर के पास। वही अगर तुम्हें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो तुम्हें खुद बोलना पड़ेगा कंडक्ट करवाइए एग्ज़ाम, जी हम देने में सक्षम है। जैसे ही कोरोना की लहर थोड़ी सी शांत हो आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, वर्क फोर्स पढ़ाइए, ताकि हम लोग भी देश की सेवा के लिए आगे आ सकें। समझ रहे हो? ये है मेरी करंट अफेयर की क्लास, ये मैं कंडक्ट करवाता हूँ सुबह 7 बजे SSC गुरु चैनल पे। ज़रूर लिया करो, ऑसम कंटेंट के साथ क्लास करवाता हूँ। ठीक है, ये है SSC की कॉम्बैट, ये 12 बजे होती है, संडे को होती है 12 बजे दोपहर में, ध्यान रखना। इसके अलावा ये है अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जाइए गूगल प्ले स्टोर पर। डाउनलोड करने के बाद बहुत सारी फ्री और पेड क्लासेस आपको नजर आएंगी, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर लीजिए। पेड और फ्री में ज़मीन आसमान का अंतर है, जितना आप सक्षम हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये मेरा कोड है CM10, कोड को यूज़ कीजिए, जाइए अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में शो कर रखा होगा, 3 बजे क्लास लेता हूँ डेली वहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब शुरू करते हैं क्लास। कंटेंट पुराना है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस पुराने हैं, मैं देखूंगा तुमने कितनी चीज़ों को आज भी मेमोराइज कर रखा है। ऐसा नहीं है कि कल पढ़ाया था आज लाके दोबारा पढ़ा दिया, 1-1.5-2-3 महीने पुरानी चीज़ें हैं। देखते हैं कितने बच्चे जवाब सही दे पाते हैं। पहला सवाल है, 15 सेकंड शुरू हो गए। इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट इज बींग सेटअप एट विच प्लेस? बताइए भाई, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग, इंडियाज बिगेस्ट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर स्टेशन जो है या सोलर पावर प्लांट जो है वो भारत में कहां पर बनाया जा रहा है? ठीक है, तलचर, विजयवाड़ा, रामागुदम या विंध्याचल? क्या रहेगा सवाल का जवाब? जल्दी से जवाब दीजिए, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई साहब, चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, चीज़ों को मैनेज करने के लिए कई बार ना रॉन्ग डायरेक्शन भी अपनानी पड़ती है हमें। यार मुझे किसी भी तरीके से बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाना है, मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ मेरी तरफ से बेहतर वो मैं करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए भाई जो रोकेगा मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है, जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का जवाब? समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, पुराने सवाल हैं इनके जवाब तो दे दीजिए। विध्यांचल, जय माता दी जी ने सवाल का जवाब देने से शुरू किया है, सवाल का जवाब है विध्यांचल, बहुत बढ़िया जी, बहुत सही, बिल्कुल गलत है, सवाल का जवाब है रामागुदम। इससे संबंधित एक सवाल और पूछा गया था CHSL के एग्जाम में, वो मैं पहले ही पढ़ा चुका था, उसका जवाब था मध्य प्रदेश MP, उसका जवाब था मध्य प्रदेश MP। इस सवाल का जवाब है रामागुदम। ये रामागुदम भारत में कहाँ पर मौजूद है? अगर आपसे बेसिकली बेसिक से तरीके से कोई पूछ ले कि भाई ये रामागुदम कहाँ मौजूद है तो बोलोगे हमें सर ने ये तो पढ़ाया नहीं, रामागुदम कहाँ पे है? तो रामागुदम वहां पर मौजूद है जो भारत का 29वां राज्य बनाया गया था, जो भारत का 29th नंबर का स्टेट बनाया गया था वहां पर ये रामागुदम मौजूद है। और 29वां राज्य कौन सा था? 29वें राज्य का नाम है तेलंगाना या तेलंगाना। ठीक है,
तेलंगाना वही राज्य है जहां पर बनाया गया भारत में सबसे पहले ट्रांसजेंडर पुलिस स्टेशन की तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। वैसे तो कम्युनिटी हेल्प बोला गया उसे, कम्युनिटी हेल्प सेंटर बनाया गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हेल्प सेंटर बनाया गया, कम्युनिटी हेल्प सेंटर बनाया गया सबसे पहले तेलंगाना के अंदर ट्रांसजेंडर वाला, ठीक है। ये सवाल मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। तेलंगाना के मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन है जल्दी से ये बता दीजिए। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद वो राजधानी है जो मौजूद है मूसी नदी के किनारे पर। हैदराबाद में ही मौजूद है चार मीनार। चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया था, ये सवाल भी मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। कहाँ पे हो आज सारे, कहाँ हो भाई सारे आज? क्लास को जल्दी से शेयर करो यार, फटाफट से आते ही शेयर कर दिया करो भाई क्लास को। फिर तुम लोग आते हो जब क्लास खत्म होने वाली होती है, फिर बच्चे आते हैं क्लास लेने के लिए, ठीक है। अगर इस प्लांट की बात करें, इंडिया बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट की बात करें, इसकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है, 100 मेगावाट होने वाली है इसकी कैपेसिटी, ठीक है। 100 मेगावाट होने वाली है इसकी कैपेसिटी, ठीक है। ध्यान रखना सोलर एनर्जी जो है वो महंगी पड़ रही है, वैसे तो फ्री आ रही है सूर्य से, तो वो ऊर्जा फ्री आ रही है, मगर हमें महंगी पड़ रही है। हमें सोलर पैनल लगाने पड़ रहे हैं, सोलर पैनल को इंस्टॉल करना, सोलर पैनल क्रिएट करना, वो सब चीज़ें महंगी पड़ रही हैं हमें, ठीक है। मगर हाँ ऊर्जा बढ़िया है, ऊर्जा सही है। आरिफ मोहम्मद है वहाँ के मुख्यमंत्री, हैदराबाद के सीएम नहीं पूछ रहा, तेलंगाना के सीएम पूछ रहा हूँ, के चंद्रशेखर राव मिलेंगे जितना मुझे लगता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, फर्स्ट वुमेन जज तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 2021 एंड 2022 एज पर आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या रहेगी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रहेगी इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आईएमएफ का, एक सवाल तो ये बनेगा, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है वही बनेगा, जल्दी से जवाब दीजिए। सोलर पैनल्स इज कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है, ठीक है ना, वो ऊर्जा बहुत महंगी पड़ रही है हमें। और एक और उसकी जो मतलब मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ जाए, टेल या आ जाए डिस्क्राइब द लिमिटेशन, डिस्क्राइब द बेनिफिट एंड डिसबेनिफिट, इस तरीके से आ जाए, ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब क्या खूबियां हैं सोलर एनर्जी की और क्या ना खूबियां नहीं है। तो उसमें आप बोलोगे भाई, एक तो सूर्य जो एनर्जी है, सोलर जो एनर्जी है वो फ्री आ रही है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप बोलोगे कॉस्टली है क्योंकि क्रिएट करना पड़ रहा है सोलर पैनल। तीसरा आप बोलोगे एनर्जी अवेलेबल है बहुत भारी मात्रा में। चौथा इधर आप बोलोगे कि भाई एनर्जी अवेलेबल तो है मगर रात भी होती है, ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे सूरज नहीं निकलता, ऐसा भी समय है जब सूरज नहीं निकलता, उस समय क्या करेंगे, ठीक है। और अगर बात करें इस सवाल के जवाब की कि भाई कितनी अनुमानित जीडीपी बताई गई है फिस्कल ईयर 2021 के आधार पे और 22 के आधार पे, तो आप जवाब देंगे सर 12.5%, 12.5%, ठीक है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्रिस्टिना जॉर्जीवा, ये सवाल कई बार पूछा गया है, वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है इसका हेडक्वार्टर, क्रिस्टिना जॉर्जीवा आपने बताया अध्यक्ष है। इसके अलावा ध्यान रखना वॉशिंगटन डीसी को अमेरिका के 51वें राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने की मांग उठ रही है, हो सकता है जल्दी आपको न्यूज़ मिलने को मिले कि इसे बना दिया गया 51वां राज्य। वैसे अभी WC या वॉशिंगटन DC में शायद 3 सीटें होंगी, ठीक है ना, 2 सीनेट की होंगी और 1 सीट और होगी, ऐसा ही कुछ है जितना मुझे याद है, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन वाली सीट्स की बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब आपको समझ आ गया होगा। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 22 की तो 12.5%, फाइनेंशियल ईयर्स की अगर बात करें 23 की तो 6.9% रहेगा, कितना रहेगा 6.9%, ये अनुमानित है केवल, ऐसा है नहीं, अनुमानित है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, ये सवाल मैंने दिन में भी पढ़ाया है, 1 बजे वाली क्लास में, 3 बजे वाली क्लास में, ये सवाल मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ और मेरी सिक्स सेंस मुझे कभी धोखा नहीं देती, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बनेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या तो ये बनेगा कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर ये बनेगा कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं, या फिर ये बनेगा इसकी स्थापना कब की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, 1948 में इसकी स्थापना की गई, तारीख थी 7 अप्रैल, पहली बार 7 अप्रैल 1950 को, पहली बार 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। भाई साहब इस समय ना इसकी वैल्यू हमें समझ आ रही है, हमारी गवर्नमेंट को समझ आ रही है एवं पूरी दुनिया को इसकी वैल्यू समझ आ रही है कि यार जिस चीज़ को हम इतना लाइटली ले रहे थे कि क्या है क्या हो जाएगा, वो करके दिखा रहा है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी भी वक्त है, जागना पड़ेगा, हम तो जागे हैं,
हमें तो जागना पड़ेगा, ठीक है, साथ साथ गवर्नमेंट को भी जागना पड़ेगा, पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज की, केवल भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के देशों की जो गवर्नमेंट है उनको जागना पड़ेगा और लोगों को भी जागना पड़ेगा। सवाल का जवाब है 7 अप्रैल, 7th of April, क्लियर। उम्मीद करूंगा सभी ने इसका जवाब सही दिया होगा। टेड्रस एडेमन आप बता रहे हैं, इसके मौजूदा अध्यक्ष हैं, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, हिमानी सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। अगला सवाल है नेशनल मैरीटाइम डे, ये नेशनल मैरीटाइम डे से संबंधित सवाल मैंने बहुत सारे पढ़ाए, जैसे आज दोपहर को मैंने सवाल पढ़ाया IOPC के बारे में था वो, या फिर इंडियन पैसिफिक ओशियन से संबंधित था वो सवाल, इंडियन पैसिफिक ओशियन कॉपरेशन ऐसे करके कोई सवाल था जिसमें किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे करके कोई सवाल था, और मैंने बताया था साथ में ए लगा दीजिए, और इसकी स्थापना की गई थी 2019 में, करने वाले थे मोदी जी। संबंध किससे है, संबंध है मैरीटाइम से, इसका मैरीटाइम रहता है, समुद्र की बात कर रहा है वो। अब सवाल है नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल या 7 अप्रैल, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। सभी सवालों को, मतलब पूरे दिन का जो सार होता है ना, उस पूरे सार को रिकॉल कर लिया करो इस क्लास में कि क्या क्या पढ़ा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र अगर मोदी जी आपने पढ़ा तो उनसे संबंधित क्या पढ़ा, अगर आपने अमेरिका के जो बाइडन पढ़ा तो पूरे दिन में मैंने उससे संबंधित क्या पढ़ाया, या आपने कहीं भी पढ़ा तो उससे संबंधित क्या पढ़ा, पूरी चीज़ों को रिकॉल करने के लिए 30 क्वेश्चन सफिशियंट है, ठीक है। GK इससे बाहर नहीं जाएगी, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, बहुत बढ़िया। अप्रैल 1919 लॉयल्टी शिप की बात आप कर रहे हैं, नेशनल मैरीटाइम डे ये 1919 तक मैंने पढ़ाया है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने बताया है, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम डे की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है कब, तो आप जवाब देंगे सर 5 अप्रैल को। फिर मैं पूछूंगा कि भाई 5 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, तो आप जवाब दोगे सर क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था 1964 में, पहली बार ये मनाया गया था 1964 में, 1964 में, और इस बार कौन सा संस्करण है इसका, 58th नंबर का मनाया गया है नेशनल मैरीटाइम डे, क्लियर। मैं अप्रैल को रखूंगा टारगेट में, मई को रखूंगा टारगेट में, अगर मान लीजिए अप्रैल मई जून में एग्जाम होता है CHSL वाला, और जुलाई या जून के अंत तक अगर CGL कंडक्ट करवाया जाता है तो मैं अप्रैल और मई पर ज्यादा फोर्स करने वाला हूँ, ठीक है। सवाल का जवाब है 5 अप्रैल, पहली बार 1964, 58th नंबर का संस्करण है, 98 नंबर का। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये योजना मैं गारंटी दे रहा हूँ एक सवाल दो नंबर पक्के हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में 2021 में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, वर्ल्ड मलेरिया डे भी बताया था मैंने, बताया पढ़ाया उसके बारे में भी, वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में भी, ठीक है। चलिए, हाँ जय माता दी जी, मतलब आप काफी पुराने विद्यार्थी हैं, आपका असली नाम क्या है वैसे एक बार बताइए, मेरे को ध्यान आ जाएगा क्या रहेगा सवाल का जवाब। ये सवाल के चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा है क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप जानते होंगे, वही आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत बोला गया था प्रति वर्ष को 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा, मतलब आप अगर बीमार हैं तो आप जाके 5 लाख तक का अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं किसी भी सरकारी एवं हॉस्पिटल में, ठीक है, वो एवं वाला आप समझ गए होंगे कहाँ पर। तो उसी की तर्ज पे राजस्थान सरकार ने एक योजना की शुरुआत करी है जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। अब देखिए एग्जामिनर कैसे खेलेगा आपके साथ, एग्जामिनर पता है क्या करेगा, एग्जामिनर ये हरियाणा को काट के या तो यहाँ लिखेगा तमिलनाडु या यहाँ लिखेगा केरला और बोलेगा अब दे जवाब। अब बच्चे का दिमाग इतना स्ट्रांग है, पहले तो बच्चे को लड़का याद आएगा, कह रहा वो मूवी थी तो केरल वाली मूवी थी साउथ, कह रहा अच्छा उनके पिताजी चिरंजीवी जी की बात कर गया, कह रहा लो टिक करके आगे बढ़ जाएगा पेपर में, भाई साहब चिरंजीवी एक्टर की बात नहीं हो रही है, चिरंजीवी योजना की बात हो रही है, सवाल का जवाब है राजस्थान, ठीक है। 5 लाख तक का ही इसमें भी दिया जाएगा मेडिकल फैसिलिटी के बारे में, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा टॉम एंड जेरी है बच्चा ये, अब मैं समझा, मैं वही सोच रहा हूँ इसको इतनी तगड़ी नॉलेज कैसे है, ठीक है, ये पुराना खिलाड़ी है सर। आयुष्मान का तो ऐप है ना, अच्छा आयुष्मान भारत का ऐप भी और मेडिकल फैसिलिटी भी है 2018 से, जब जिसको जिसमें 50 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात की गई थी, आपको ध्यान होगा सितंबर के महीने में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, Who has topped the Forbes 2021 annual world's billionaire list? अभी भारत में एक ही रिपोर्ट आज लॉन्च हुई है, एक रिपोर्ट आज आई है, एक इंडेक्स आज आया है, वो इंडेक्स है डेमोक्रेटिक कंट्री को लेकर या फिर हाउ वेल गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर है, उसमें भारत का स्थान रहा है 49। करंट अफेयर की न्यूज़ है, आज ही की न्यूज़ है, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर न्यूज़ है, उसमें भारत का स्थान रहा है 49। मैंने ये नहीं देखा टॉप किसने किया या लास्ट कौन आया, बस मैंने इतना देखा भारत का स्थान है 49।
भारत का स्थान इसमें भी 49, भारत का स्थान इंटरनेट वाले में भी 49 था अगर आपको याद हो। इसके अलावा हमने पढ़ा था आज 142वें नंबर पे रहा भारत, किस में 142वें नंबर पे रहा था भारत अपना प्रेस इंडेक्स में, 140वें इंडेक्स पे रहा था भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में, 94th नंबर पे रहा था भारत हंगर इंडेक्स में, पासपोर्ट इंडेक्स में रहा है भारत 84वें स्थान पे, 84th नंबर पे। ठीक है, तो ये कुछ इंडेक्स हैं आपके सामने, मैंने चार बता दिए। इसके अलावा अगर सेना की बात करें, सेना की जो आया है भाई कि भारत सबसे थर्ड नंबर पे आ गया है सेना के मामले में, ठीक है ना, एक ये हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, एक पूरी की पूरी क्लास इंडेक्स के ऊपर ही ले लूँगा मैं, ठीक है, पूरी की पूरी क्लास इंडेक्स के ऊपर ही ले लूँगा मैं ताकि इंडेक्स वाला काम भी अपना कंप्लीट हो जाए। अगर बात करें सवाल के जवाब की तो जेफ बेजोस रहेगा सवाल का जवाब, सवाल का जवाब रहेगा जेफ बेजोस। अमेज़न से संबंधित मैंने आपको एक सवाल और पढ़ाया था कि अमेज़न जल्द ही भारत के जो अपने पानी वाले एग्रीकल्चर होता है ना, मतलब जिसमें हम अपनी फिशरीज वाला काम करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो सवाल का जवाब है जेफ बेजोस, सेकंड नंबर पे है एलन मस्क, 10वें नंबर पे है मुकेश अंबानी। आप अपने जीवन काल में ही अपनी आयु में मुकेश अंबानी जी को यहाँ देखेंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला है सवाल, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रजिस्टर द कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर एनिमल्स कॉल्ड कार्निविक कोव। चलिए भाई बताइए, कार्निविक कोव जो मेडिसिन है जो एनिमल्स के लिए क्रिएट की गई है वो किस देश ने बनाई है सबसे पहले? इनका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है हमारे देश के ऊपर, आपने देखा होगा मंगोलिया की भी एक जो एयरलाइंस है, वो मंगोलिया की जो एयरलाइंस वाले लोग हैं वो खड़े हुए हैं तीन लोग ऐसे, और उन्होंने लगा रखा है वी विद यू इंडिया, और ठीक है ना, मतलब हम आपके साथ हैं भाई साहब, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है बाहर, प्लीज़ घर में रहिए, सेफ रहिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, माता रानी से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से, अब जिसको भी भगवान को मानते हैं उसे प्रार्थना कीजिए हालात जल्द सुधर जाएं, और खुद को सुधारने के लिए भी कसम खाइए कि ईश्वर हम खुद को भी सुधारेंगे। ऐसे धुरंधर लोग हैं यार, वो प्लॉट में आग लगा गया उस दिन रात को, उसको दिख रहा है बेवकूफ का बच्चा, उसको दिख रहा है अंधे को कि यार लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन से, उस प्लॉट में कूड़ा पड़ा है, मानता हूँ यार कूड़ा पड़ा है, गंदा हो रहा है, अरे भाई सबसे 20-20 रुपए इकट्ठे करके 50-50 रुपए इकट्ठे करके उठवा दे उसे, लेके रात को उसने तिल्ली डाल दी उसमें, इतना प्रदूषण हुआ ना उससे, और मेरा इतना खून जला भाई साहब कि अगर मैं CM होता या PM होता तो तुझे भाई साहब उल्टा टांग के ना कोड़े लगवाता। सवाल का जवाब है रूस, रशिया। रशिया दुनिया का पहला देश है जिसने बनाई है एनिमल्स के लिए वैक्सीन जिसका नाम है कार्निवैक। अब जल्दी से जवाब दे दीजिए, भारतीय सरकार ने 3 वैक्सीन्स को मंजूरी दी है भारत में लोगों को लगने के लिए, उन 3 वैक्सीन्स के नाम क्या हैं? जल्दी जवाब दीजिए, भारत में 3 वैक्सीन्स को मंजूरी दी गई है, वो 3 वैक्सीन्स के नाम क्या हैं? रशिया हमारा पुराना दोस्त है, हाँ भाई जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा है वही हमारा सही मायने में दोस्त है। अरे भाई पता नहीं था ना कौन था, पता चल जाता तो कंप्लेंट क्या कर दो, मैं खांस आता उसके ऊपर, उस समय तो चल रही थी बीमारी, तुम समझ ही रहोगे, मैं उसको समझा देता कि क्या है मतलब कोरोना का, मैं तो खांस आता भाई साहब, ठीक है, जैसे को तैसा मिलना चाहिए ना, पता नहीं चला ना, पता चल जाता तो भाई साहब फिर तो CM क्या PM वहीं बैठे हुए थे। ठीक है, चलिए कौन कौन सी वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, एक तो कोविशील्ड हो गया, CV लिख देता हूँ मैं, कोविशील्ड एक हो गया, कोवैक्सीन और एक हो गया स्प्यूटनिक, एक हो गया स्प्यूटनिक। ठीक है, स्प्यूटनिक कौन सी वैक्सीन है, रशिया की वैक्सीन है, भारत सरकार ने इसे भी मंजूरी दे दिया लगवाने के लिए। ठीक है, ये था 7 नंबर का क्वेश्चन, रशिया की राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, बैठे हुए हैं व्लादिमीर पुतिन, 2032 के आसपास तक बैठे हुए हैं, क्लियर। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड विद द प्रेस्टीजियस कलिंग रत्न अवार्ड सम्मान 2021, भारत में किसको दिया गया है कलिंग रत्न सम्मान पुरस्कार 2021, विश्वभूषण हरिचंदन, ELS नरसिम्हन, जगदीश मुखी या फिर वैजू भाई वल्ला। चलिए भाई वल्ला जी को दे दीजिए पुरस्कार, जल्दी से दीजिए जिसको भी देना है। क्या रहेगा सवाल का जवाब, 1 मई को स्पुटनिक 5 लगवाएंगे, अच्छा जी स्पुटनिक 5, 91.6% एफिशिएंसी है डोमेन जी, 91.6% एफिशिएंट है ये, ठीक है, बस यार ऊपर वाला बचा ले यार, माता रानी यार सब ठीक हो जाए देश में। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़, भगवान सबको खुश रखे यार, बस मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना यार, बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है, मतलब इवन वी कांट इमेजिन कितना बुरा हाल है बार, और भगवान ना करे यार किसी के साथ दुश्मन के साथ भी ऐसा हो यार। ठीक है ना, मेरा ही अपना एक मित्र था यार, मतलब जहाँ अन अकेडमी पे वो मुझे मतलब हैंडल करता था, गौरव नाम था यार, उसने मुझे बताया कि सर आप ऐसे कीजिए, और उस दिन मैंने देखा यार कि
उस ग्रुप में देखा, उसका मतलब मैसेज कर रखा है किसी ने ग्रुप में कि उसकी डेथ हो गई। बहुत छोटा था यार, मुझसे भी छोटा था, 2 महीने उम्र में, और उसने स्टेटस लगा रखा था अपने फ़ोन पे कि मैं इस दिन पैदा हुआ था अक्टूबर 1992 को, और आज मेरी डेथ हो रही है, आज मैं मर रहा हूँ। यार लिटरली मतलब शब्द नहीं थे यार बोलने के लिए। हर भगवान जिस भी घर वो गया, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे यार। ठीक है, सवाल का जवाब क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे सर सवाल का जवाब रहेगा विश्वभूषण हरिचंदन। सवाल का जवाब रहेगा विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का जवाब। प्लीज़ आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, प्लीज़। मेरी पूरी पूंजी तुम ही हो, मैंने तुम्हें ही कमाया है बच्चा मेहनत से, ठीक है ना। अगला सवाल है ट्रिफेड हैज लॉन्च द संकल्प से सिद्धि। एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है ट्रिफेड के द्वारा, उसका नाम है संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव टू एक्टिवेट द वन धन विकास केंद्र इन द विलेजेस। द कैंपेन हैज बीन लॉन्च फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मैनी डेज। वो बोल रहा है ट्रिफेड ने गांवों में वन धन विकास कार्यक्रम केंद्रों को सक्रिय करने के लिए, दोबारा से एक्टिव करने के लिए संकल्प से सिद्धि नाम की एक स्कीम चलाई है। गांवों को डिजिटलाइज करने के लिए ये शुरू किया गया है। ये अभियान भारत के कितने गांवों में चलाया जाएगा? राज्य मैंने शायद बताए थे, शायद 6 राज्य थे या शायद 18 राज्य थे जहां पर ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, जितना मुझे याद है अच्छी तरह। चलिए आप विलेजेस बता दीजिए मुझे, कितने विलेजेस में ये कैंपेन चलाया जाएगा? बस सवाल इतना सा है आपके लिए, बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब क्या है? 1 अप्रैल 2021 से इसे एक्टिवेट किया गया है, और सवाल का जवाब है कितना? 100 गांवों में, 100 विलेजेस में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। ध्यान रखना अपनी कैटेगरी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक एंड AIIB। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बनाइए, बताइए मुझे AIIB की फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पहला सवाल ये बनेगा। Have approved financial support for the canal based drinking water project in Punjab. What is the total value for this project? वो बोल रहा है विश्व बैंक ने और AIIB ने पंजाब में नहर आधारित पेयजल योजना को मंजूरी, मतलब बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए कुल क्या मूल्य है? चलिए भाई, what is the total value of the project? $400 million, $100 million, $200 million या $300 million? कितने मिलियन डॉलर रहेगी इस परियोजना की? AIIB की फुल फॉर्म बताइए सबसे पहले। चीन बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है जी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सबसे पहले ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म ही आएगी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग में। SCO का हेडक्वार्टर भी आपको वहीं मिलेगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें लगभग 8 कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज हैं। 1996 में पहले इसकी इस्टेब्लिशमेंट मतलब बनाया गया था, और बाद में इसका नाम बदला गया था 2001 के आसपास, ठीक है। और सवाल के जवाब की यदि बात करें कि क्या रहेगा सवाल का जवाब, सवाल का जवाब रहेगा $300 million, $300 million, ठीक है। पंजाब में कौन बैठा है? पंजाब में बैठे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनके दादा हुआ करते थे राजा, ठीक है। ये सवाल पूछा गया रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस रिसेंटली। वो बोल रहा है कि गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं, वो बोल रहे हैं डेप्यूटी गवर्नर कौन से हैं RBI के, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से सर्विस उनकी खत्म हो गई है, सेवानिवृत्त हो गए हैं, हिंदी में बोलेंगे सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका नाम क्या है? चलिए जल्दी जवाब दीजिए। BP कनुंगो, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा या राजेश्वर राव? या राजेश्वर राव, चलिए सर, यह सेकेंड लार्जेस्ट बैंक आफ्टर WB, ठीक है जी। सर वी आर ऑल्सो हैविंग अ फीवर, अगर आपको फीवर है, बुखार है, आप डोलो लीजिए, ठीक है। डोलो या सबसे जो मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन है, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल आप लीजिए, एक सुबह, एक दिन में, एक शाम, पैरासीटामोल आप लीजिए फीवर के लिए, ठीक है। ईश्वर का नाम लीजिए, घबराइए मत। इसके अलावा आप साथ साथ अपना खाना खाइए अच्छे से, खाने का दिल ना हो तब भी आप खाना खाइए, हल्दी वाला दूध पीजिए, इस तरीके से आप इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें सवाल के जवाब की तो क्या रहेगा, कौन द सीनियर मोस्ट डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक? श्री बीपी कनुंगो का कार्यकाल, इन्हें रिटायर कर दिया गया है, ठीक है ना, इन्हें रिटायर कर दिया गया है, और इन्हें पहले ही एक्सटेंशन मिल चुका था, ये पहले एक्सटेंशन पे ही चल रहे थे, इन्हें एक्सटेंशन मिला था 1 अप्रैल 2021 तक, और इनकी रिटायरमेंट कर दी गई है। बीपी कनुंगो है इनका नाम, सीनियर मोस्ट रिजर्व बैंक के गवर्नर थे डेप्यूटी। एक सवाल मेरा आपसे और है कि रिजर्व बैंक में एक तो होता है गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चाहिए मुझे, ठीक है। ऑक्टोपस नहीं बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। ये हो जाएंगे RBI के गवर्नर, और मेरा सवाल है डेप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं?
ठीक है, इसका जवाब ऑफलाइन में कमेंट करके चाहिए मुझे। अपनी कैटेगरी का बेस्ट क्वेश्चन है, द टुलिप फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एवरी ईयर। वो बोल रहा है टुलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, टुलिप महोत्सव मनाया जाता है भारत के एक राज्य में प्रतिवर्ष, हर साल मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, सवाल ये है। ठीक है, RBI, राजेश्वर, MK जैन एंड पाकरा, मुझे ये चाहिए कितने हैं। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन कौन है, मैंने बोला कितने हैं, कितने हो सकते हैं, यह बता दीजिए। 1+4 सिस्टम है, आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1+4 सिस्टम है। तुलिप फेस्टिवल अगर बात करें तो 3 अप्रैल 2021 को ये शुरू हुआ। इसमें भाई म्यूजिकल फंक्शन होते हैं, इसके अलावा पॉपुलर सिंगर्स को बुलाया जाता है बाहर से, आउटसाइड से, हमारे देश के ही होंगे वो, ठीक है ना। इस तरीके से मनाया जाता है ये वाला फेस्टिवल, और एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन जो जम्मू और कश्मीर में है वहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सवाल का जवाब है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में, जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में हमने सेकेंड एडिशन किया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। सेकेंड एडिशन किया था हमने खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल भी जम्मू और कश्मीर को ही मिले। इसका फर्स्ट एडिशन किया गया था लेह के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में पढ़ाया था, जिसमें भारत को कुल 14 मेडल मिले थे, और टॉप कंट्री वाली करने वाली कंट्री का नाम था कजाकिस्तान और इटली, और ये हुआ था एथेनले एटनले एक जगह थी कजाकिस्तान में, वहाँ पर हुआ था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, उम्मीद करूँगा सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगला सवाल है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस। चलिए भाई, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, जो कि इस देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, क्या नाम है उनका जिन्होंने शपथ ली है। अच्छा बच्चा, ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे, मैंने यहाँ भी करवाए थे, बस प्रैक्टिस में ले लीजिए। अगर अलग सवाल चाहिए तो एक सवाल मैंने कई बार पहले पढ़ाया। सवाल ये है, ऐसे कौन कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिनका देहांत, जिनका डेथ अपने पद पे हो गया था। ठीक है, ऐसे कौन कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिनका देहांत अपने पद पे हो गया था, बस आप संख्या ही बता दीजिए मुझे, संख्या से ही मैं काम चला लूंगा। सवाल का जवाब है रामना, मैंने बोला था बस रामना याद रखना, जस्टिस नूथलापत्ति वेंकटा रामना रहेगा सवाल का जवाब। 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगर बात करें मरने वाले कितने थे भाई, फर्स्ट थे HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया, सेकंड कौन थे, ठीक है, तो मुखर्जी नाम के एक हुआ करते थे चीफ जस्टिस, दो थे, एक तो हो गए जस्टिस अपने हीरालाल जे कानिया HJ कानिया, और एक थे मुखर्जी नाम के, उन दोनों का अपने पद पर निधन हुआ था, अपने पद पे अपने कार्यकाल में डेथ होने वाले दो मुख्य न्यायाधीश हैं इस देश के। ठीक है, अगर बात करें ऐसे तीन कौन से हैं जिन्हें सीनियोरिटी बेसिस पे नहीं बनाया गया, तो ऐसे तीन भी हैं। ठीक है, एक तो थे शायद दीपक मिश्रा, ठीक है, इसके अलावा एक थे, मैं थोड़ा सा नाम स्किप कर रहा हूँ, वो दोनों ही थे इंदिरा गांधी के टाइम पर जिनको इंदिरा गांधी ने सीनियोरिटी बेसिस पर ना होते हुए भी उन्हें प्रमोट कर दिया था। ठीक है, हामिद बेग और एक थे ए एन रे, इन दोनों को इंदिरा गांधी ने प्रमोट किया था। इसके अलावा दीपक मिश्रा के बारे में भी कहते हैं, मगर दीपक मिश्रा को माना नहीं जाता, दो ये थे, तीसरे उनको बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल है 14 नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 14वें नंबर का सवाल है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज। हाउ मच अमाउंट 1989 में थे सर, बच्चा ये 70s में थे, मतलब 1970s से लेकर 80 तक थे, क्योंकि इसमें से शायद ए एन रे ने डिसीजन दिया था 1973 वाले केशव नंदा भारती केस का। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए फटाफट से, हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंटल नेशनल पॉलिसी फॉर द रेयर डिजीज 2021। भारत सरकार ने कितने पैसे का ऐलान किया, देख लो भाई सब, रेयर डिजीज के लिए कितने पैसों का ऐलान कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भाई अप्रूव किया है इतने पैसे को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम के तहत, किस स्कीम के तहत किया है, अम्ब्रेला स्कीम के तहत ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य नीति। अगर बात करें 50 लाख तो बच्चा बहुत ज़्यादा बोल गए आप साहब, सवाल का जवाब है 20 लाख। ठीक है, इतने भारी अमाउंट को किया गया है रेयर डिजीज के लिए। अब भाई सब रेयर डिजीज में गिनोगे कोरोना को भी, वैसे तो भाई ऐसा कोई बीमारी थोड़ी है जो घर में डेली हो रही है। ठीक है, सही जा रहे हैं। अगला सवाल है इंटरनेशनल डे फॉर द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस। सीधा सा पूछ रहा है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए।
इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? जल्दी से जवाब दे दीजिए फटाफट से, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए भाई अगर अच्छी लग रही है तो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 50 लाख नहीं 20 लाख है बच्चा, ज़्यादा अमाउंट है यार, तुम छोटी छोटी बातें कर रहे हो। ठीक है चलिए जी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे तभी मनाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में, और तारीख कौन सी थी? तारीख थी 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी, और इसी तारीख को 6 अप्रैल को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं 6 अप्रैल को, और नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कि मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए थे हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी इलाहाबाद में, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। और अगर बात करें नेशनल इंटरनेशनल की, तो 6 अप्रैल को, और 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा नहीं है इसीलिए इसको स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, ऐसा नहीं है, बस कनेक्ट करके बता रहा हूँ ठीक है, कि स्थापना हुई थी यहाँ पे बीजेपी के 11वें अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है कि बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष कौन है, 11वें नंबर के जेपी नड्डा हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी? अभी पढ़ाया सवाल, जल्दी दे दीजिए जवाब, मुकेश अंबानी की रैंक क्या है अमीरों की सूची में? हाँ बच्चा सही कह रहे हो, अब क्या करें भाई साहब। ठीक है, एक प्लेयर हुआ कर मतलब एक प्लेयर हैं भाई साहब, वो अभी छोड़ कर गए हैं, जो मैचेस चल रहे हैं उनको छोड़ कर गए, उन्होंने जाके एक ट्वीट किया और बोला है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया में इतने अमीर लोग हैं, इतना बड़ा बोर्ड है, फिर भी इंडिया में इतने बुरे हालात क्यों हैं, जितना पैसा इस पर लगा रहे हैं इतना बेटा हॉस्पिटल्स पर लगा सकते। बस मेरे पास देखो यार, मैं ना फेवरिज्म नहीं खेल रहा हूँ, मैं फेवरिज्म भी नहीं खेल रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ कि हालत जल्द से जल्द सुधर जाए, बस भगवान कृपा करे, फेवरिज्म में नहीं खेल रहा हूँ, मैं पक्ष में भी हूँ और विपक्ष में भी हूँ, आई एम इन अ बोथ टीम, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का मैं एक पार्ट हूँ। ठीक है, तो आलोचना करना भी मेरा हक है और फेवर दिखाना भी मेरा हक है, जहाँ वो सही है वहाँ वो सही है, जहाँ वो गलत है वहाँ वो गलत है। अगर बात करें सवाल के जवाब की, सवाल का जवाब है 10th। ठीक है जी, कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है, मगर आपको किसी फेवरिज्म में नहीं पढ़ना, वी आर जस्ट स्टूडेंट एंड आई एम जस्ट टीचर, मैं एक टीचर हूँ आप विद्यार्थी है, मेरा काम है आपको ज्ञान देना, किसी ने कोई ट्वीट किया उसकी जानकारी भी मुझे आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बस जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आईपीएल के खिलाड़ी ने अभी 36 लाख रुपए डोनेट किए हैं भारत में कोविड केयर में। ठीक है, अगला सवाल है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस? बताइए भाई, मिजोरम में विश्व बैंक द्वारा प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? बताइए भाई कितनी राशि स्वीकृत की गई है, 54 मिलियन डॉलर, 78 मिलियन डॉलर, 32 मिलियन डॉलर या 96 मिलियन डॉलर? कितने मिलियन डॉलर को स्वीकृत किया गया है? 17वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये मिजोरम की बात कर रहा है वो। अगर बात करें, हमारे पास एक शेड्यूल है, एक अनुसूची है 6 नंबर की, और उस अनुसूची में ये राज्य हैं AMTM। जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMTM? अगर बात करें 5वीं अनुसूची की, तो 5वीं अनुसूची में राज्य हैं CM, जॉग विद राम। इसको याद करने की ट्रिक है भाई, 5वीं अनुसूची में राज्यों को याद करने की, 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं, अगर आप PCS या UPSC के विद्यार्थी हैं तो 11 दिखाएगा, 11वां दिखाएगा दार्जिलिंग, क्योंकि दार्जिलिंग एक शहर है मगर शहर को कंसीडर नहीं कर रहा वो, क्योंकि पूरे राज्य में नहीं मौजूद अनुसूची 5। ठीक है ना, वैसे तो दार्जिलिंग आता है अपना वेस्ट बंगाल में, मगर यहाँ पे वो 10 राज्य ही मानेगा। AMTM का फुल फॉर्म बता दीजिए, और मिजोरम वाले जवाब को मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ, $32 मिलियन रहेगा इस सवाल का जवाब। ठीक है, AMTM की फुल फॉर्म क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है क्या? पक्का है मिजोरम? मणिपुर नहीं है, पक्का है ना मणिपुर नहीं है? देखिए याद करने की ट्रिक क्या थी, ये मान लीजिए मेघालय है, ये मान लीजिए मेघालय है, और लास्ट वाला जो एम है वो एम वो है जिसका नाम एम से शुरू होता है और एम पर ही खत्म होता है, तो क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्लियर, एम से ही शुरू होता है एम पर ही खत्म होता है, वो राज्य हो जाएगा मिजोरम। तो मेघालय मिजोरम, पहले वाले को मानिए मेघालय है, दूसरे वाले को मानिए एम से शुरू होगा एम पे ही खत्म होगा मिजोरम। ये सवाल पूछा गया CDS 2019 के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूची 5 में नहीं है, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मैंने बोला वेस्ट बंगाल का केवल दार्जिलिंग, इसके अलावा ये तेलंगाना, ये हो जाएगा अपना
हिमाचल प्रदेश, ये हो जाएगा राजस्थान, आंध्र प्रदेश और ये हो जाएगा अपना महाराष्ट्र। तो 10 राज्य हो जाएंगे। क्लियर? उम्मीद करूंगा सवाल का जवाब समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। ओ सर कंफ्यूज, कंफ्यूज करने की क्या जरूरत है? मेघालय, मेघालय और इसके बाद जो एम वाला राज्य है वो एम से ही शुरू होगा, एम पर ही खत्म होगा, ऐसा एक ही राज्य है मिजोरम। क्लियर? ये भी याद रख लेना 10 के 10। 11वां भी बता दिया मैंने आज, कौन सा है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग। अगला सवाल है, मगर वहां पे उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पैसा, पैसा एक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया 1996, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया 1996, 10 दिसंबर 1996 को ये लागू हुआ था। क्लियर? चलिए जी, नहीं 10 या 24 दिसंबर के आसपास, शायद 24 दिसंबर था, ठीक है, मगर था दिसंबर ही। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में किससे अपॉइंट किया गया है? चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए, हु इज़ अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नए रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? जो कमाल हम यहाँ पे आधे घंटे में करते हैं वो कमाल हम अपने चैनल पे बार बार लगातार बार बार करते हैं। हमारे चैनल का नाम है प्लेइंग विद जीके, तो जाइए और जाकर भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी किसी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बस प्ले करना सिखाता हूँ जीके के साथ, प्लेइंग विद जीके, हमारा विद्यार्थी जीके पढ़ा हुआ कहीं मार नहीं खाएगा। तरुण बजाज, अजय सेठ, राजीव गावा या हर्षवर्धन सिंगला, बताइए भाई क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब रहेगा तरुण बजाज, अजय सेठ नहीं है, सवाल का जवाब है तरुण बजाज। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ तरुण बजाज एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, 1988 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है जी, सर्व करेंगे अब इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के रूप में 30 अप्रैल 2020 से। क्लियर? चलिए जी, अजय सेठ नहीं है बच्चा, अजय सेठ नहीं है, तरुण बजाज है, 1000 नहीं 10000% शोर हूँ, 1000% नहीं 10000% शोर हूँ, सवाल का जवाब है तरुण बजाज, ठीक है। नेक्स्ट रेवेन्यू और न्यू रेवेन्यू, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, 100% शोर हूँ, 100% शोर हूँ बच्चा, 100% शोर हूँ, 100%, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आप चाहे सर्च कर लीजिए, सर्च करके आप मुझे बता देना, मैं 100% शोर हूँ अगर इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ तो। नेम द विनर ऑफ द मियामी ओपन टेनिस 2021 वुमेन्स, सबसे पहले तो पढ़ना है, मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप है, किसकी है? वुमेन्स सिंगल वाली है, जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बता दीजिए भाई, जीतने वाली खिलाड़ी का, चलिए जीतने वाली खिलाड़ी का नाम बता दीजिए, मियामी ओपन जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करना चाहेंगे, ठीक है। टॉमेन जी बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, ठीक है, पॉलिटी की क्लास होगी क्या यार बच्चा? मैं ना थोड़ा सा यार अभी तक खाने का इंतज़ाम नहीं हुआ है यार, अब रात को ना मम्मी होती नहीं यार, बड़ा दुख होता है, मतलब मम्मी घर पे हैं तो यार खाने का जुगाड़ हो नहीं पाता, अब यार 9 बजे ना खाने का जुगाड़ करने बैठूंगा, फिर 10 बजे वाली क्लास लेना ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, खाने की मैनेजमेंट नहीं हो रही है बस। सवाल के जवाब की अगर बात करें तो एशलेक बार्टी है सवाल का जवाब, एशलेक बार्टी कौन सी कंट्री से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं, ध्यान रखना ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाएगा और मेरी सिक्स सेंस मुझे कभी धोखा नहीं देती बच्चा, मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि बहुत ही जल्द एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज आने वाली हैं देश में, ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रिटायर होने वाले हैं जाने वाले हैं, इसलिए नहीं, ज़रूरत पड़ने वाली है भाई, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, एवं इसके साथ साथ आर्मी में जॉब आने वाली हैं, जो बच्चा भी बहुत सालों से आर्मी की जॉब के सपने देख रहा था, जॉब्स आने वाली हैं, ठीक है। अगला सवाल है, भगवती सिंह हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, वो कह रहा है एक व्यक्ति है जिनका नाम है भगवती सिंह, पॉलिटी का फ्रेश बैच जल्दी से ही स्टार्ट होगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो कमिंग नेक्स्ट वीक होगा ना उससे 3 दिन पॉलिटी और 3 दिन हिस्ट्री को स्टार्ट कर लें, या पॉलिटी ऐसे हिस्ट्री, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, मतलब नेक्स्ट वीक से मे बी 100% शुरू हो जाएगा। चलिए भगवती सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे? समाजवादी पार्टी, साइकिल वालों की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, समाजवादी पार्टी साइकिल वालों की बात कर रहे हैं ये, आप जानते ही होंगे मुलायम सिंह यादव जी के बारे में, उसके फाउंडिंग मेंबर की बात कर रहे हैं भगवती सिंह, ठीक है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। अगला सवाल है, द इंटरनेशनल डे ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 रवांडा जेनोसाइड, रवांडा एक कंट्री है जिसकी राजधानी है किगाली, जिसकी राजधानी है किगाली, इस रवांडा में ना जेनोसाइड हुआ था भाई साहब, इंसानों को मार के खाने की बात तो हो रहा है, शेरों को मार के खा गए थे ये लोग, वो पूछ रहा है कि किस तारीख को इसका जेनोसाइड जो डे है, रिफ्लेक्शन जेनोसाइड डे है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए
बच्चा पॉलिटी की क्लास अभी कंडक्ट करवाने की मैं परिस्थिति में नहीं हूँ यार, 3-4 क्लासेस बहुत होती हैं। नेक्स्ट वीक से पूरी कोशिश करूँगा कि मैनेज हो जाए, ठीक है। सवाल का जवाब है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ये वाला डे। और याद रखना इसके बारे में चीज़ है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रवांडा। अगला सवाल है विच डे ऑफ द ईयर सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल कॉन्साइंस बाय द यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को अंतरात्मा के अंतर्राष्ट्रीय रूप के दिवस में मनाया जाता है। ये कॉन्साइंस आपसे स्पेलिंग पूछ सकता है एग्जाम में, MTS वाले एग्जाम में, CHSL वाले एग्जाम में डायरेक्ट स्पेलिंग आ सकती है। इसके साथ साथ वो पूछ सकता है कि कॉन्साइंस का वन वर्ड क्या है, इसका सिनोनियम पूछ सकता है, इसका एंटोनियम पूछ सकता है, क्योंकि अच्छा वर्ड है। बताइए भाई ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, UN के द्वारा सेलिब्रेट करवाया गया है, ये डे कब सेलिब्रेट किया जा सकता है। चलिए, बहुत, अगर आप एक सही मायने में विद्यार्थी है ना, तो आप रवांडा जेनोसाइड के बारे में पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। SSC JEE पेपर 2 की जानकारी दे दो बच्चा, अभी थोड़ा सा तो डिले रहेगा एग्जाम्स में, ठीक है। SSC JEE पेपर 2 की जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जो भी जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आती है, मैं 100% उसके बारे में आपके साथ शेयर कर दूंगा। फर्स्ट में आपके कितने स्कोर रहे हैं मुझे वो बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा सेकंड पेपर में आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान JEE वाला एग्जाम भी हुआ था, वो आपने दिया था नहीं दिया था वो भी बता दीजिए। बात करें इस डे की, तो 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ये वाला दिवस, 5th अप्रैल को। अगला सवाल है 23rd नंबर का क्वेश्चन है, नेम द विनर ऑफ द 38 GD बिरला साइंटिफिक रिसर्च ऑफ द ईयर 2021। चलिए भाई, एक पुरस्कार है, GD बिरला पुरस्कार है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है। किसको दिया गया है 2021 में, सुमन चक्रवर्ती, एन रविशंकर, श्री सिंधु दे, या फिर विक्रमजीत सिंह। ये एन रविशंकर का आपने देखा होगा, बहुत बड़ा संस्थान है, संगठन है इनका, मेडिसिन भी आती है इनकी आयुर्वेदिक। इसके अलावा इनका जो मेन है ना, शायद वो दुनिया की सबसे बड़ी किचन है, या फिर वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खाना बनाते हैं एक दिन में, मेरे ख्याल से बंगला साहिब को बीट किया गया है, या फिर अमृतसर वाले गुरुद्वारे को बीट किया गया है इनकी किचन के द्वारा। पता नहीं कितना ज़्यादा खाना वहाँ पे बनाया जाता है, एक बार ज़रूर पढ़ना उस चीज़ के बारे में। ये आपको मिलेगा बेंगलुरु से 40 किलोमीटर के आसपास मिलेगा दूरी पर, ठीक है। वर्ल्ड बिगेस्ट किचन सर्च कर लेना, या वर्ल्ड लार्जेस्ट किचन सर्च कर लेना, एन रविशंकर सर्च कर लेना, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सवाल के जवाब की बात करें तो सुमन चक्रवर्ती रहेगा सवाल का जवाब, सुमन चक्रवर्ती रहेगा सवाल का जवाब। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती हैज बीन इलेक्टेड और सिलेक्टेड फॉर द GD बिरला साइंटिफिक अवार्ड, ठीक है। चलिए जी, 132nd है सर, मतलब स्वप्निल जी, मतलब मैं समझा नहीं, एक बार पूरा बता दीजिए, 132nd क्या है आपका जवाब, क्या है 132nd में, मेरे को वो समझ नहीं। अच्छा, 132nd आपके नंबर हैं, 132 आपके नंबर हैं, ठीक है बच्चा, स्कोर तो ठीक ठाक है। मेंस के लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा, आप मुझे या तो कमेंट में ड्रॉप कर देना कि किस तरीके से आपको चलना है, कैसे आपको आगे लेके चलना है, ठीक है। मगर ठीक है, आपके नंबर अच्छे हैं, क्योंकि 88 या 100 के आसपास, मतलब कम रहती है JEE वाले एग्जाम की कट ऑफ, मुझे शायद ST वाली याद है 88 के आसपास या 82 के आसपास ही रही थी। व्हाट इज द प्रोडक्टेड रेट ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज पर IMF। ये पढ़ाया हुआ सवाल है, आज ही पढ़ाया है ये सवाल, 21 में मैंने बताया था, 21-22 में मैंने बताया था 12.5% था, और वो 22-23 पूछ रहा है। बेसिक सवाल है, आज ही पढ़ाया है, अगर थोड़े से भी आप शुरू से एक्टिव हो तो बेसिक सवाल है। सवाल का जवाब क्या है, 6.9%, ठीक है। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है 6.9%। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सवाल है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द शशिकला, ये पढ़ाया हुआ सवाल है, सवाल का जवाब क्या है, जल्दी से दे दीजिए जवाब। शशिकला जिनका हाल ही में निधन हुआ था, उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बेसिक सवाल है, जल्दी बता दीजिए। 88 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, एक्टर थी, ठीक है। जयललिता से भी संबंध करके मैंने इनके बारे में आपको पढ़ाया था, सवाल का जवाब है एक्टर थी। अगला सवाल है 26वें नंबर का, नेम द सेलिब्रिटी हु हैज बीन रोब्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है, आज सुबह मैंने सवाल पढ़ाया था, संजू सैमसंग वाला, और वो पलदूतकर करके कोई खिलाड़ी था, और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का, उसको ब्रांड, उन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था प्यूमा इंडिया का, प्यूमा जर्मनी की कंपनी है, मैंने आज सुबह ये भी पढ़ाया था, प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, प्यूमा जर्मनी की कंपनी है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने 1 बजे वाली क्लास में पढ़ाया था। और इस सवाल के जवाब की बात करें तो वन एंड ओनली किंग कोहली, ठीक है, विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसका आपको पता होगा। ब्रांड विराट कोहली को, मतलब टॉप वर्ल्ड रैंकिंग में बाबर आजम ने बीट कर दिया है, ठीक है। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान का खिलाड़ी है, उसने बीट कर दिया है कोहली को,
और बाबर आजम दुनिया का सबसे तेज खिलाड़ी बन गया है 2000 रन मारने वाला टी ट्वेंटी क्रिकेट में। ठीक है जी, बताओ कैसे कैसे बीट कर रहे हैं। ठीक भाई, इसमें तो सहमति दोगे तुम भी। ठीक है, वो जानते नहीं है किंग कोहली को भाई साहब, किंग कोहली बम की गोली। ठीक है, वो बीट कर जाएगा दोबारा से, पता भी नहीं चलेगा कब बीट कर दिया उसने। वो फास्टेस्ट बनेगा 20,000 मारने वाला, ये भी शॉर्टी है। अरे 2,000 कौन मार रहा है, 2,000 कोई रन है। अगला सवाल है, विच प्लेयर हैज क्लेम 2021 मियामा टाइटल्स, कौन सा वाला, मेंस वाला। एशले बार्टे मैंने बता दिया था, ठीक है, एशले बार्टे ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी, वो फीमेल्स में जीती थी। मेल्स में जीतने वाला कौन है, 15 सेकंड है, जवाब दे दीजिए जल्दी से। हाँ यस सर, टी20 में 2000। इसके अलावा एक और न्यूज़ चल रही है, शायद 1000 मारने वाला भी कोई बन गया फास्टेस्ट उनका, पता नहीं कौन सा खिलाड़ी है, उसका नाम भी ध्यान नहीं है मुझे, वो भी चल रहा है। ICC उन्हीं की डेली फोटो लगा रहा है उनकी, अरे हमारी लगाओ, मतलब हमारे प्लेयरों की फोटो लगाओ, एक नंबर खिलाड़ी हैं। चलिए, डिफीट किया इन्होंने इटालियन के जैनिक सीनर को हराया इन्होंने, जो जीते हैं ना उन्होंने इटालियन खिलाड़ी जैनिक सीनर को हराया है। ठीक है, और जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, ह्यूबर्ट हरकेस। जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है ह्यूबर्ट हरकेस। ये वाली चैंपियनशिप अलग से अभी से नोट्स बना लीजिए, एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी। टेनिस ह्यूबर्ट हरकेस जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं, और पोलैंड और जर्मनी वाला युद्ध आपको पता ही होगा, पोलैंड और ऑस्ट्रिया की वजह से जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था उसके बारे में आप जानते ही होंगे। वैसे तो और भी बहुत सारे रीज़न थे अगर मेंस में निकलने के लिए आए तो, मगर हमारा SSC है तो उसके हिसाब से पोलैंड और ऑस्ट्रिया ही हम जानते हैं कि हत्या कर दी राजा की और युद्ध हो गया, हमें इतने बताया गया। ठीक है, अगला सवाल है 250 नंबर का क्वेश्चन, दिग्विजय सिंह जला हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ, बताइए भाई, दिग्विजय सिंह जाला जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन से डिपार्टमेंट में यूनियन मिनिस्टर थे भैया। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, क्लास अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। सर आज आपने सुबह वाली क्लास में ली थी करंट अफेयर्स, बचा नहीं, करंट नहीं ली, कल लूँगा, अभी थोड़ा सा ना मैं 100% फिट नहीं हूँ, मगर हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा यार करंट की क्लास हो जाया करे जैसे तैसे करके। ठीक है, कल कंप्लीट कर दूंगा प्रीवियस, फिर नए तरीके से शुरू कर देंगे चीज़ों को। क्या बात है भाई साहब, गर्दा काट रहे हो लूसीफर जी, बेटा पढ़ ली ना कमेंट, उन्होंने मदद रोक देंगे, मदद आ रही है, ये तो देख नहीं रहे वो। ठीक है, सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट संभाल रहे थे, अभी कौन संभाल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बताना। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हेल्थ दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और पहली बार 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी थीम क्या है, बस ये बता दीजिए, व्हाट इज द थीम। अगर मैं सीधा जवाब दे दूं तो सवाल का जवाब क्या रहेगा, बिल्डिंग अ फेयर डिप्रेशन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर हेल्थ फॉर ऑल। सवाल का जवाब रहेगा बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, सभी के लिए एक न्यायपूर्ण स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण करना, जो कि असंभव सा लग रहा है, अभी तो चीज़ें बन जाएंगी, समय लगेगा, समय लगता है हर चीज़ में। अगला सवाल है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भाई साहब रेवेन्यू था वहाँ पे, अगर आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तरुण बजाज के बारे में तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया था नहीं सर नहीं अजय सेठ होंगे, अगर आपको याद हो मैंने वहाँ पढ़ाया था न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, यहाँ पे है अपॉइंटेड एज इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। अब दीजिए जवाब, इस सवाल का जवाब क्या है, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी कौन है भारत के नए, रेवेन्यू और इकोनॉमिक्स आप खुद समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस सवाल के एग्ज़ाम में आने के। ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं कितने ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस सवाल के एग्ज़ाम में आने के। क्या रहेगा सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब रहेगा अजय सेठ। ठीक है जी, इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सर इस सवाल का जवाब है अजय सेठ, उस सवाल का जवाब था तरुण बजाज। ठीक है जी, उस सवाल का जवाब था तरुण बजाज। अजय सेठ किस बैच के हैं, 1987 IAS बैच के हैं, ये 1987 बैच के IAS हैं। ठीक है, इनको बनाया गया क्या, अपॉइंट किया गया इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और बात करें बच्चा, तो भाई अच्छी लगी क्लास तो माता रानी पाप लगाएगी, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वाले को भी, और अपना चैनल है प्लेइंग विद GK के नाम से, ध्यान रखना भाई, ऊपर वाला सब देख रहा है ध्यान रखिएगा भाई, अपना चैनल है प्लेइंग विद GK के नाम से, उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से।
इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए भाई। ऐसा कंटेंट अगर तुम्हें मिल रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा, कहीं नहीं जाना पड़ रहा, रात को 8 बजे क्लास लेने आ रहे हो, कंटेंट मिल रहा है, नोट कर रहे हो, आगे बढ़ जा रहे हो, ठीक है। PDF मिलेगी इसकी टेलीग्राम चैनल पे, PDF चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल पे आ जाना और बता दीजिए भाई कहाँ पर, ठीक है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ बी सेफ, घर में रहिए, बाहर मत जाइए, आवश्यकता ना हो, बाहर से कोई सामान ला रहे हो सैनिटाइज मारो पहले उस पर, सैनिटाइजर मारो हल्का हल्का, उसके बाद उस सामान को कंज्यूम करो, उपयोग में लाओ, ठीक है। मम्मी पापा को तो बिल्कुल नहीं जाने देना बाहर, घर में बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए कि भाई आप लोग बाहर नहीं जाएंगे, हम करेंगे जो करेंगे, और खुद भी अगर आप बाहर जाओगे सिंगल मास्क नहीं डबल मास्क लगा के जाइए, मैं खुद डबल मास्क लगा के बाहर जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, भगवान कृपा करे, माता रानी आप पे कृपा करे, ईश्वर